पहले आज मैं वर्ष प्रतिपदा का आप सभी को और पूरे देशवासियों को बहुत मन से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज ही के दिन हम सबका नया वर्ष शुरू होता है और उसी नए वर्ष के शुभ दिन पर आज पुनर्निर्मित माता शारदा का मंदिर की अब आज से श्रद्धालु को लिए खोल दिया गया है। ये संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुत शुभ संकेत हैं। अब माँ शारदा की कृपा संपूर्ण भारतवर्ष पर अविरत रूप से युगों युगों तक यहाँ से वितरित होती रहेगी। मैं आज यहाँ पर आ तो नहीं पाया हूँ आप लोगों के साथ, परंतु निश्चित रूप से जब भी मैं जम्मू कश्मीर आऊंगा, मेरे दौरे की शुरुआत मैं पुनर्निर्मित माता शारदा देवी के मंदिर में शीश झुकाकर ही करूंगा। आज यहाँ पर श्रद्धेय संतों और ब्रह्मचारियों की उपस्थिति में ये जो एक छोटे से कार्यक्रम में माँ शारदा के मंदिर को लोगों के लिए खुला मुका रखा जा रहा है, वो एक नए युग की शुरुआत है। यह केवल माता शारदा देवी जी के आशीर्वाद और हम सब के समुचित प्रयास से ही संभव हो पाया है। इसलिए मैं श्री रविंद्र पंडिता जी और इसके लिए संघर्षशील सभी श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन देना चाहता हूं कि इतने सालों का आपका संघर्ष आज परिणाम लेकर आया है। मित्रों, आज डॉक्टर हेडगेवार जी आरएसएस के संस्थापक की जन्मतिथि है और महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन जी की भी जन्मतिथि है। आज गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की पुण्यतिथि भी है। ये तीनों महानुभावों को मैं प्रणाम करकर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। आज इस मंदिर की वास्तुकला और निर्माण शारदा पीठ के तत्वाधान में पौराणिक शास्त्रों के अनुसार किया गया है। श्रृंगेरी मठ की दान की गई पंचलोहा शारदा माँ की मूर्ति को 24 जनवरी से लेकर आज तक यहाँ प्रस्थापित करने तक एक यात्रा के स्वरूप में यहाँ लाया गया है और प्रथम नवरात्र के दिन ही तीतवाल मंदिर में माँ की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया गया है। ये कदम सिर्फ एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं है, शारदा सभ्यता की खोज की एक शुरुआत है और मैं मानता हूं यहीं से फिर से एक बार व्यक्ति की चेतना को ब्रह्मांड की अनंत चेतना के साथ जोड़ने वाले ज्ञान का जमीन पर उतरने की शुरुआत होगी। एक जमाने में भारतीय उपमहाद्वीप में शारदा पीठ ज्ञान का केंद्र माना जाता था। शास्त्र और आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में देश भर के विद्वान पूरे देश भर से यहां आते थे। आदि शंकर स्वयं यहां आए, मां की आराधना के लिए उन्होंने स्तुतियां भी बनाई। और मित्रों, ये जो शारदा लिपि है वो हमारे कश्मीर की मूल लिपि है, जिसका नाम भी मां के नाम के आधार पर रखा गया है। ये महाशक्ति पीठों में से एक है। हमारी कथाओं के अनुसार सती का दाहिना हाथ यहां पर गिरा था और सागर मंथन के बाद जो अमृत निकला वो भी देव की कृपा से मैना यहीं पर लेकर आई थी। उसमें से जो दो बूंद गिरी वो यहां पर मूर्ति के रूप में प्रस्थापित की गई। ऋषि सांडिल्य के एक खोज को आज फिर से एक बार श्रृंगेरी पीठ के विद्यमान शंकराचार्य जी की कृपा से आज पूरा देश मूर्तिमंत होते हुए देख रहा है। ये हम सब सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत गर्व और संतोष का विषय है। मित्रों, आज यहां पर जब सभी भक्त आए हैं, रविंद्र पंडिता जी ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के पेटन पर शारदा पीठ को भी जल्दी से यात्रा के लिए खोल दिया जाए। भारत सरकार निश्चित ही
इस दिशा में प्रयास करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मोदी जी के प्रयास से कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो शांति प्रस्तापित हुई है, इसने घाटी को और जम्मू को फिर से एक बार अपनी पुरानी परंपराओं की ओर, पुरानी सभ्यता की ओर, गंगा जमनी तहजीब की ओर ले जाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार ने संस्कृति के पुनरुद्धार सहित जम्मू कश्मीर के सभी क्षेत्रों में पहल की है। इसके तहत 123 चिन्हित स्थानों का व्यवस्थित रूप से जीर्णोद्धार और उनकी मरम्मत का काम चल रहा है। कई सारे मंदिर, कई सारे सूफी स्थान, जियारत शरीफ, रेशमौला राम मंदिर, सफा कदल का मंदिर, होटेली गुम्पा का मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कई सारे स्थानों को फिर से एक बार पुनर्निर्मित करने का काम चला है और 65 करोड़ के बजट से इसके पहले चरण में 35 स्थानों का नवीनीकरण और उनका पुनरुद्धार आज किया जा रहा है। 75 धार्मिक स्थानों को और सूफी संतों के स्थानों को पहचान कर 31 मेगा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं और हर जिले में 20 सांस्कृतिक उत्सव भी आयोजित किए गए हैं। इससे हमारी पुरानी विरासत फिर से एक बार पुनर्जीवित करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी उपस्थित हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने जिस शिद्दत के साथ जम्मू कश्मीर में मोदी जी की सारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है वो प्रशंसनीय है। सारी फ्लैगशिप योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, स्मार्ट सिटी, पोषण अभियान, मातृवंदना योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा गया है। और सबसे बड़ी बात है मोदी जी के नेतृत्व में सिन्हा जी ने जम्मू कश्मीर में औद्योगिक निवेश को लाने में भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मैं सबके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन और उसके मुखिया उपराज्यपाल महोदय को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज एक छोटे से कार्यक्रम से जो शुरुआत हुई है, मैं मानता हूं कि आदि शंकर के समय में स्थान की जो भव्यता थी वो भव्यता हम सब मिलकर वापस ले आएंगे। मां शारदा की उपासना का, मां शारदा के की प्रेरणा से मिले हुई चेतना की जागृति का ये स्थान सालों सालों तक, युगों युगों तक भारतवर्ष में केंद्र बना रहेगा, इसकी मुझे श्रद्धा है। फिर से मैं एक बार श्रृंगेरी पीठ के अभी के शंकराचार्य के श्री चरणों में प्रणाम कर उनके उनसे आशीर्वाद मांगकर उनका धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। और रविंद्र पंडिता जी के नेतृत्व में सारे जो लोग सिविल सोसाइटी के इस स्थान के पुनरुद्धार के लिए दोनों ओर के पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में और यहां पर जम्मू कश्मीर में, ये सभी लोगों का मैं अभिनंदन कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय।